कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक बर्फबारी देखने को मिल रही है। हर तरफ बर्फ की सफेदी नजर आती है। आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट, देखिए जरा। कश्मीर को धरती की जन्नत यूं ही नहीं कहते। हर तरफ बिछी सफेद बर्फ की ये चादर और चीर देवदार के दरख्त, नजारा जन्नत का नहीं लेकिन जन्नत से कम भी नहीं है। पूरे कश्मीर के तमाम ऊपरी इलाकों में इन दिनों यही नजारा है। कई ऊंचाई वाले हिल स्टेशन पर दो दिन से जमकर बर्फबारी हो रही है। ठंड तो बड़ी है लेकिन नजारा दिलकश हो गया है। कश्मीर के पर्यटन स्थल कुछ इस तरह खिल गए हैं। सोनमर्ग, गुलमर्ग, हर जगह बर्फ बिछी है। जहां एक तरफ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई, वहीं श्रीनगर और मैदानी इलाकों में बारिशें हुई। मौसम विभाग ने पहले ही इस बात का अनुमान लगाया था कि गुरुवार दिन भर कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी। न सिर्फ सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम में हल्की बर्फबारी हुई है बल्कि बर्फबारी के चलते श्रीनगर को पुंछ से मिलाने वाला मुगल रोड भी बंद कर दिया गया है यातायात के लिए, और साथ ही साथ करगिल राजमार्ग भी यातायात के लिए बंद कर दिया गया। सोनमर्ग में बर्फबारी के बाद कुछ रास्ते भी बंद हो गए और कुछ यही हाल पुंछ का है। भारी बर्फबारी का असर मुगल रोड पर भी पड़ा है, जहां ट्रैफिक रोक देना पड़ा है। बारामूला तक बर्फबारी हो रही है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। और ये तस्वीर कुपवाड़ा की है। तंगधार केरन रोड पर ट्रैफिक पर असर पड़ा है। कश्मीर जैसा ही हाल इन दिनों हिमाचल का भी है। यहां भी जमकर बर्फबारी हो रही है। लाहौर में ताजा बर्फबारी अटल टनल समेत कोकसर और सिस्सू तक हुई। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी नजर आती है। बीती रात अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल, धुंधी क्षेत्र और उसके आसपास के भागों में करीब 5 इंच ताजा बर्फबारी हुई है। चमोली नीति घाटी में भी मौसम ने करवट बदली है। बर्फबारी से ठंड बढ़ी है। नीति घाटी में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। ठंड भले ही बढ़ गई हो लेकिन बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे जरूर खिले हैं। आज तक ब्यूरो।